जय हिंद वंदे मातरम साथियों, मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए 14 मई के पैटर्न पर आधारित आज की इस वीडियो में जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का क्यूज लेकर आए हैं। तो आप सभी इस क्यूज को लगाइए और आप लोग इस क्यूज सेट में कितने प्रश्न सही कर पाते हैं आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए जल्दी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, चलिए आप सभी आंसर बताएंगे बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बैरन द्वीप ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में कहाँ? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन में आपको या तो बंगाल की खाड़ी मिलेगा या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दोनों ऑप्शन याद रखना है। और बैरन द्वीप जो है ये एक एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा नहीं गुजरती है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, भारतीय मानक समय की जो याम्योत्तर रेखा है ये नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो याम्योत्तर रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। तो देखिए झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियों को ऐड किया गया है, तो इस प्रकार से 12 अनुसूचियां हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो देखिए अभी हमने आपको बताया मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया था, जिसमें से 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन था? तो प्रथम संशोधन। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि हुआ था 1985 में, ध्यान रखेंगे। देखिए ऑप्शन सी में है 73वां संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो 73वां संशोधन के माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 73वां संशोधन कब हुआ था? 1992 के हुआ था, और इसी संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इन सभी फैक्ट को याद रखना है। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे 5वें प्रश्न का सही जवाब है, याद रखिएगा 24 फरवरी को। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए ऑप्शन में एक भी गवर्नर जनरल नहीं है, तो यहाँ पे प्रश्न को सही कर लेंगे, टाइपिंग एरर है। यहाँ पे है भारत का पहला गवर्नर जनरल नहीं, अटॉर्नी जनरल। चलिए अब आंसर बताइए, भारत का पहला अटॉर्नी जनरल।
तो यहाँ पे छः का आंसर क्या होगा याद कर लीजिए, एम सी सीतलवाड़, ये भारत के पहले अटॉर्नी जनरल। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है, एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। और दोस्तों जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोग एग्जाम तक इस चैनल के सारे वीडियो को रेगुलर देख सकते हैं। तो यहाँ पे सातवें प्रश्न का आंसर क्या होगा, कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है, तो क्लोरीन गैस। याद रखिएगा वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% के आसपास है वायुमंडल में। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो अक्रिय गैस पूछे तो याद रखिएगा कौन सा है, आर्गन। सिर्फ गैस पूछे तो आंसर करना है नाइट्रोजन, और अगर अक्रिय गैस में पूछे सर्वाधिक मात्रा तो आर्गन है। कितना है तो 0.93%। और वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है, तो याद रखिएगा रेडॉन। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, चलिए आप सभी आर्ट के लिए आंसर बताएंगे। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, और दोस्तों हम आपको प्रश्नों के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा और साथ में आपका रिविजन भी होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, श्री माओ भंडार नायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, देखिए आपके एग्जाम में दिवस से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो जितने भी हम आपको दिवस से संबंधित प्रश्न कराते हैं सभी को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, किसके जन्मदिवस पर, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिवस पर। भारत का पहला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। भारत का पहला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे 10 का आंसर है एन श्रीनिवासन, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एन श्रीनिवासन राव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, देखिए हमने आपको काफ़ी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताया है, इसकी स्थापना होती है 1885 में बंबई में, किसने किया था, तो ए ओ ह्यूम ने, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड डफरिन के समय में, याद रखिएगा। और प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में ही बम्बई में, और अध्यक्ष कौन बने थे, तो डब्ल्यू सी बनर्जी। बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंची द्वारा नहीं बनाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए। कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंची द्वारा नहीं बनाया गया है, तो ये पेंटिंग है लास्ट जजमेंट, ये जो है माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है, ना कि लियोनार्डो द विंची के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, इनको भारतीय शांति का जनक किसने कहा था, वेलेंटाइन चिरोल ने। और दो पत्रिका है केसरी और मराठा, ये बाल गंगाधर तिलक की है, याद रखिएगा केसरी मराठा।
तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है गीता रहस्य गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। के बताइए इंडिया इन ट्रांजिशन ये किसकी पुस्तक है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई। चले दोस्तों 14 के लिए आंसर कीजिए, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं पाटलिपुत्र में। किसके समय में, तो अशोक के समय में, याद रखिएगा। आगे देखिए 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था, स्वामी विद्यानंद। इस प्रश्न को आप सभी मार्क कर लीजिए, 3 से 4 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है। चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया लेखन से है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो यहाँ पे 17 का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है नीदरलैंड में। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो एम्स्टर्डम। यहाँ पे लिख देते हैं एम्स्टर्डम, ये नीदरलैंड की राजधानी है। और नीदरलैंड के द हेग में किसका हेडक्वार्टर है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, याद रखेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो, कनाडा की राजधानी ओटावा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा कैनबरा। और एक होता है ऑस्ट्रिया, दोनों अलग है, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पे 18 का आंसर जो बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है ए जी टॉन्सले ने। दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है। चलिए 19 के लिए आंसर बताइए, दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, याद रखिएगा दक्षिण गंगोत्री है अंटार्कटिका में, सही आंसर है ए ऑप्शन। जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था। तो आसान प्रश्न है, राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पे 21 का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में डी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है एच जे भाभा, यानी होमी जहांगीर भाभा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, बिहार राज्य का लिंगानुपात बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो याद रखिएगा 918 है। और बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। और 935 क्या है, तो ये शिशु लिंगानुपात है। निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है। देखिए दोस्तों भारत की सीमा जो है 7 देशों से लगती है, जिसमें अधिक अब बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, तो याद रखेंगे बांग्लादेश। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए, और आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए
और एग्ज़ाम तक जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? याद रखिएगा ये है उत्तराखंड में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है जो कि असम में है। नामदफा कहाँ है? तो ये नामदफा याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो याद रखिएगा पूर्वी चंपारण। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि 80% है? तो प्रतिशत में पूछे पंजाब, और अगर प्रतिशत ना पूछे सिर्फ सर्वाधिक अनुसूचित जाति पूछे तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो हमने पहले भी आपको बताया था प्रैक्टिस सेट में, चलिए आंसर कीजिए, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा सही जवाब है 3। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना होती है 1984 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। जूट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कोल्डिवा से। सही जवाब है बी ऑप्शन। आप लोग कमेंट करके बताइए चावल का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है और चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो सबसे आसान प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने ही 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब? तो 1905 में। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत को किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। सही जवाब है सी ऑप्शन। और दोस्तों कमेंट करके आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर बताना है। ओजोन परत अवस्थित है, देखिए ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन लेयर मिलता है समताप मंडल में। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन से। तो आंसर क्या होगा, समताप मंडल में। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, और इसी में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए वृद्धि हार्मोन स्रावित कहाँ से, याद रखिएगा पिट्यूटरी से। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।